आप देख रहे हैं न्यूज नॉक, जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री राजेश बिंदल जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री पीतंकर दिवाकर जी, माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री मनोज मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश शासन के महाधिवक्ता माननीय श्री अजय कुमार मिश्र जी, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सम्मान्य श्री राधाकांत ओझा जी, महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री सत्यधीर सिंह जादौन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी मान्य न्यायमूर्तिगण, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और आज यहां पर प्रयागराज की इस धरती पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों, 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती पर पूरा प्रदेश और पूरा देश मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करके कुंभ और माघ मेले के इस आयोजन के साथ अपने आप को सहभागी बनकर के जीवन में सफलता के मार्ग का अनुसरण करने का एक संकल्प लेता है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज की इस धरती पर आता है और आज मैं बार और बेंच के इस बेहतर समन्वय के कार्यक्रम को बार एसोसिएशन के इस मंच के माध्यम से देख रहा हूं। वास्तव में यह भी अपने आप में अधिवक्ता कुंभ ही है और इसलिए अधिवक्ता कुंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती हम सबके लिए प्राचीन काल से ही एक प्रेरणा की धरती रही है। ये धर्म की धरती है, अध्यात्म की एक प्रेरणा यहां से प्राप्त होती है। देश के अंदर शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रयागराज का अपना महत्व रहा है। आज से 12,000 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल, जिसे आप भारत का पहला गुरुकुल कह सकते हैं, इसी प्रयागराज की धरती पर है। और प्रयागराज हमारा न्याय का पवित्र मंदिर भी है, जहां पर अपनों से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जीवन की हर प्रकार की आस और विश्वास को खो देता है, तो बड़ी आशा भरी निगाहों से वह फिर न्याय के इस मंदिर की ओर देखता है और यहां पर उसे जो राह मिलती है वह जीवन की एक नई राह होती है। और बार और बैंक का यह समन्वय आज यहां पर इसे स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी कर रहा है।
जब बार एसोसिएशन अपने 150 वर्ष पूर्ण कर रहा है, यह महज संजोगी है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी पूर्ण किया है। आजादी की लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, एक लंबे समय तक लड़ी गई वह लड़ाई थी जो भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत करने और किसी भी प्रकार की दासता से मुक्त करने का एक बृहद अभियान था। और जैसे कि यहां पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी ने, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि अधिवक्ता समुदाय ने आजादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके न केवल भाग लिया बल्कि देश को नेतृत्व भी दिया। देश की आजादी को एक नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, भारत की संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा रहे हो, या फिर देश के संविधान को एक स्वरूप देने वाले उसकी शिल्पी के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, या देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, देश का हर वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने उस कालखंड में जुल्म की प्रवाह के बगैर लगातार देश की आजादी के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा, उसमें अधिवक्ता समुदाय अग्रणी भूमिका में था और अपनी इस पुरातन पहचान को एक बार फिर से आगे किए जाने की आवश्यकता है। और इसमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर एक क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश को नेतृत्व दिया है। जब पिछले दिनों में देख रहा था दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस की एक बैठक थी, देश के अंदर लोक अदालत के परिणाम क्या हैं, जब ये आ रहा था तो पूरे देश के अंदर जितने मुकदमों का निस्तारण हुआ था उनमें से आधे से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश से हुई, यानी उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसने नेतृत्व ने दिया हो, और आज फिर उस भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। लेकिन एक सामूहिकता का प्रयास है। मेरे पास ओझा जी जब आए थे कि हमारे पार का 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में अगर आप भी आते तो अच्छा रहता। मैंने कहा यह कार्यक्रम ये बताइए केवल पार का ही है या इसमें बेंच भी है? उन्होंने कहा नहीं, हमने वहां पर मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से भी और अपने अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्तियों गणों से भी हमारी चर्चा हो गई, सभी लोग इसमें कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और मिलकर के कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा मैं जरूर इसमें प्रयास करूंगा मैं भी आने का, और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये कार्यक्रम यहां पर मिलकर के अपने गौरवपूर्ण 150 वर्षों की यात्रा के अवलोकन का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। इन 150 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया है, इसमें जरूर चिंतन होना चाहिए, हम सबको इसमें मनन करना चाहिए, क्योंकि देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत ने क्या पाया क्या खोया, इन सब पर चिंतन हुआ। और जब अमृत काल में भारत प्रवेश किया तो दो उपलब्धियां भारत के साथ तत्काल लगी हैं। एक, भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था उसे पिछाड़ करके दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरा, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है,
उनका नेतृत्व अमृत काल में भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये G20 के 20वें बड़े देश हैं जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिनका अधिकार है, और दुनिया के अंदर 90% से अधिक रिसर्च और पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम वर्ष में ही उन देशों का नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे देश अगले एक वर्ष तक दुनिया के अंदर विश्व शांति और मानवता के कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है, इसके बारे में व्यापक चिंतन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी G20 से संबंधित 4 महानगरों में 11 समिट होने जा रहे हैं। मैं स्वयं भी उन कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त था और उन कार्यक्रमों की तैयारी के साथ हम जुड़े हुए थे। अलग अलग स्तर पर बैठकें होनी है, लेकिन एक अवसर मिला है वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को और देश को प्रस्तुत करने का। अपने आप को हम उन मंचों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है, हम दुनिया के लिए क्या कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं, यह सब कुछ बताने का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ किस रूप में एक साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। हर घर तिरंगा, उसका एक उदाहरण भी हम सब ने देखा है। पर्व और व्यवहार एकांगी के विषय नहीं होते। आपने देखा होगा कुंभ का आयोजन होता है तो हम अपने घर में नहीं मनाते, हम आते हैं जाकर के डुबकी लगाते हैं संगम के तट पर जाकर के। भारतीय मनीषा ने कभी भी जीवन को दुविधा में नहीं डाला है, उसकी दिशा बहुत स्पष्ट है और ये मान के चलता है कि इस पूरी व्यवस्था को संचालन अगर करना है तो अकेले कोई नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अकेले उसका संचालन नहीं कर सकता, कोई वस्तु अकेले नहीं कर सकती है। प्रयागराज में ही संगम क्यों हुआ? गंगा और यमुना तो हम देखते हैं, अदृश्य सरस्वती के दर्शन भी हमें वहां होते हैं, पूरा देश आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ आता है। हमने इस पूरी चराचर व्यवस्था को अलग अलग पार्टों में बांध करके कभी नहीं देखा। भारतीय मनीषा ने तो एक बात साफ कही कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से अलग अलग परिभाषा से उसको परिभाषित करते हैं और यही स्थिति हम सब की है। अगर हम उस सत्य को समझने का प्रयास करें तो फिर कभी भी टकराव की नौबत आएगी ही नहीं, किसी भी स्तर पर टकराव की नौबत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि सबको न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, न्याय सुलभ हो, समय से मिले और सभी लोग मिलकर के प्रयास करें। इस ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामिकता से किए जाने वाले प्रयास के परिणाम भी उतनी सामिकता के साथ उतने ही अच्छे ढंग से आएंगे। और लोक अदालत ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो परिणाम दिए हैं, पूरे देश के अंदर जितने मामलों का निस्तारण नहीं होता है उन सभी मामलों में अगर आप देखेंगे तो अकेले उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर आधे से अधिक मामलों का निस्तारण अकेले उत्तर प्रदेश करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी ये क्षमता थी और आज भी है। भाइयों बहनों, हम सब उन कार्यक्रमों को मिलकर के एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहां देख रहा था जब माननीय ओझा जी वहां पर बोलने के लिए आए, मैंने कहा वो तो पार के अध्यक्ष हैं और बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है,
लेकिन जब वो मांग कर रहे थे तो बार बार पानी पी रहे थे। मैंने कहा कि देखिए अधिवक्ता तो दोस्तों को पानी पिलाता है और आज वो मांग रहे हैं तब भी पानी पी रहे हैं। अरे तो उनका अधिकार है, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनको मांगना भी चाहिए क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, न्यायपालिका के लिए या बार के लिए जो कुछ भी मांगेंगे वह प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। हम भी बार बार जब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठक होती है तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है, न्यायपालिका से संबंधित उन मुद्दों को लेकर के होती है जो प्रदेश को सही और सस्ता न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं और उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तमन्ना सबकी है, शासन की भी वही मंशा है और राज्य की भी, शासन की भी वही मंशा है, न्यायपालिका की भी वही मंशा है और बाहर जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां पर माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति जी ने यहां पर अधिवक्ता चैंबर की भी जो बात कही है, हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहां पर करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी धनराशि राज्य शासन ने उपलब्ध करवा दी है और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैंबर्स वहां पर बन पाएंगे, 2500 एडवोकेट चैंबर बनाने, 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है, हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं, जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है और अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं प्रयागराज में आता हूं, कुंभ के क्षेत्र में जाता हूं तो वहां पर मुझे प्रेसिडेंट सूट देखने को मिलता है, तो मैंने बहुत बार पूछा, मैंने कभी क्या कुंभ के समय कभी कोई महामहिम राष्ट्रपति आए का आए, लेकिन यहां पे कल्पवास के लिए केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आते थे। आप सोचिए राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपनी विरासत को नहीं छोड़ा, वे नियमित रूप से आते थे और उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बने और जल्दी बने, बहुत तेजी के साथ आगे कार्य हो। जहां भी जिला प्रशासन को लैंड उपलब्ध करवानी हो, जिला प्रशासन तत्काल लैंड उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएगी तो एक अच्छी चीज यहां पर आ पाएगी। यहां पे हमें बेंच का भी और बार का भी सानिध्य लॉ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो पाएगा और एक बेहतरीन कार्य हम यहां पर इसके माध्यम से दे पाएंगे। अधिवक्ताओं के बारे में जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं पिछली बार हुई थी, अधिवक्ताओं से संबंधित किसी अधिवक्ता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर जो 60 आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था थी, 60 वर्ष से बढ़ा करके इसे 70 वर्ष तक करने के लिए भी एक निर्णय राज्य शासन ने ले लिया है और एक बड़ा तबका इसमें अधिवक्ताओं का इसमें आता। यद्यपि हम चाहेंगे कि अधिवक्ता 100 साल की आयु पूरा जिए और पूरा उन्हें अवसर मिले जीने का, लेकिन फिर भी अगर कहीं दुर्भाग्य से कोई ऐसी स्थिति आती है तो राज्य सरकार ने उनकी इस मांग को भी पूरा किया है। अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकरण के 30 वर्ष की संस्था पूर्ण होने पर त्यागपत्र देने या मृत्यु होने की दिशा में उनके आश्रित को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को 1.5 लाख से 5 लाख रुपए करने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है और इससे संबंधित जो भी संशोधन होने थे वह भी शासन स्तर पर निर्णित हो चुका है, उसको भी लागू किया जा चुका है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य करने के शुरुआती 3 वर्ष के लिए उन्हें जो पुस्तक और पत्रिका आदि क्रय करने के लिए दी जाने वाली राशि के वित्तीय स्वीकृति की भी यहां पर शासन ने इससे संबंधित आदेश भी पहले ही निर्गत कर चुकी है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत भी मृत्यु के दावे के रूप में 2017-18 से 2022-23 तक
यानी 31 जनवरी 2023 तक कुल 13,37,92,000 से अधिक भुगतान राशि न्यासी समिति द्वारा अब तक की गई है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत सस्ता वापसी के रूप में भी 17-18 से और 22-23 तक 47,83,07,900 से अधिक राशि का भुगतान न्यासी समिति के द्वारा अब तक किया गया है और मृतक अधिवक्ताओं के विधिक उत्तराधिकारियों को भी आर्थिक सहायता के रूप में इस दौरान 111,81,50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा केवल हाईकोर्ट में ही नहीं, जनपद न्यायालयों में भी अभी मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने और राज्य शासन को इसके बारे में निर्देश भी दिया था और मैंने स्वयं भी इसकी बैठक ली थी कि जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बने हैं वहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट बिल्डिंग बनाने के साथ साथ हम लोगों ने जिला मुख्यालयों को भी और कमिश्नरी मुख्यालय को भी इंटीग्रेटेड मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक मॉडल बनेगा, ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए, पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए भी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी। इस पर कार्य हमारा बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है, लेकिन साथ साथ जनपद न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं के चेंबर बने। वास्तव में एक गरीब जब आता है और जब देखता है, घूम फिर करके चारों ओर देखता है, वो तो बड़े विश्वास के साथ आता है कि मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन जब वह जाता है और अधिवक्ता के चेंबर में बैठता है, उसको दिल में ही जब आसमान नजर आने लगता है वहां से, क्योंकि टूटा हुआ चेंबर रहता है, टूटे हुए चेंबर से उसको जब सूरज की रोशनी में दिखाई देता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका होती है कि क्या मैं सही जगह आया हूं या कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह आ गया हूं। और इसलिए शासन ने कहा है कि भाई हमें जगह दीजिए, हम लोग अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेंबर वहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि अधिवक्ता के लिए ये स्वयं के लिए शोहरत हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि गरीब को न्याय देने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। वहां पर अगर उनके अच्छे बैठने की व्यवस्था होती है तो जो वादकारी आता है उस वादकारी को भी विश्वास उस पर टिकता है, और वादकारी का विश्वास किस बात पर होता है, एक अधिवक्ता के पास जब आता है तो वह असमंजस में रहता है क्योंकि अपनों के द्वारा ठुकराया रहता है बहुत सारे लोग, और बहुत बार तो विवाद भाई भाई में होता है, छोटा सा विवाद है, वे बैठ करके भी समाधान कर सकते थे, लेकिन वह स्थिति वहां तक पहुंच चुकी होती है कि वह उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है, वो अपने भाई पे विश्वास नहीं करता लेकिन एक अधिवक्ता पे विश्वास करता है, और अधिवक्ता पर विश्वास यह आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को सजोए रखना, उसको समय से न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तात्कालिक रूप से चाहिए, इसके लिए जनपद स्तर पर भी अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए राज्य शासन ने कई जनपदों में हम लोगों ने पैसा उपलब्ध करवाया है, कई जनपदों में हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हैं, जहां से भी हमें प्रस्ताव मिल रहे हैं वहां पर हम लोग अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रयागराज में जनपद न्यायालय के लिए हम लोगों ने 11,31,00,000 रुपये, कासगंज में 5,25,00,000 रुपये, लखनऊ के लिए 4,88,00,000 रुपये, श्रावस्ती के लिए भी 4,85,00,000 रुपये, ऐसे अलग अलग जनपदों के लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत करा करके अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी वहां पर बेहतरीन व्यवस्था करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब 150 वर्ष की एक लंबी यात्रा अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद की गई, यहां पर जब बार एसोसिएशन के इतिहास के बारे में बताया जा रहा था कि 150 वर्षों के इस इतिहास में अनेक अवसर आए हैं जब एक दूसरे को मान्यता देने में कोताही बरती गई, अंततः जब सभी मिलकर के एक हुए, आज वह बार एसोसिएशन के रूप में न केवल उच्च न्यायालय की बल्कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास के प्रतीक के रूप में आप सब यहां पर मिलकर के लोगों को, आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। 150 वर्षों की शानदार यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बार और बेंच के साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर के सही और सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, इस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं एक बार फिर से मुख्य न्यायमूर्ति जी को, यहां के अपने वरिष्ठ न्यायमूर्तिगणों को और आप सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, अपने विधि अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बार एसोसिएशन के इस शानदार कार्यक्रम को, द्विदिवसीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस भूमि का उपयोग करने की पूरी अनुमति दी और इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।